वो कल सुबह लगभग सुबह 5:30 बजे हमें घर से मंदिर के लेकर निकला था, जो अभी तक मिला नहीं है। हम उसको प्रयास कर रहे हैं, थाने में कल गुमसी दर्ज कराई है, पुलिस वाले हम पर प्रयास कर रहे हैं, उसको मोबाइल ट्रेस किया है और कॉल डिटेल मंगवाई है और वो जाँच कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल उसका कुछ जानकारी हुई है। पुष्कर थाने में 24 वर्षीय युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज। गुमशुदा युवक राजू भाटी की शादी आगामी 16 मई को होने से परिवार में चिंता बढ़ी। पुष्कर थाने में 24 वर्षीय युवक की गुमशुदगी का एक मामला दर्ज हुआ है। युवक के परिजनों ने गुरुवार को पुष्कर थाने में प्रस्तुत होकर मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट के अनुसार पुष्कर के नज़दीकी गाँव चावंडिया निवासी 24 वर्षीय राजू भाटी पुत्र गोपाल भाटी 5 मई गुरुवार की सुबह 4 बजे परिवार को बिना बताए घर से निकल गया, जिसे बार बार फोन करने पर भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। परिवार ने अपने स्तर पर पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में युवक राजू भाटी को ढूंढने की काफ़ी कोशिशें की। मामले में 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिलने पर शुक्रवार को गुमशुदा युवक के परिवारजनों ने पुष्कर थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पुष्कर पुलिस ने बताया कि युवक की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के जरिए तलाश की जा रही है। इसके लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। साथ ही जिले के सभी थानों को मैं फोटो गुमशुदगी के संबंध में जानकारी साझा कर दी गई है। गौरतलब है कि गुमशुदा राजू भाटी की शादी आगामी 16 मई को निश्चित की गई है, जिसको लेकर परिवार महीनों से तैयारी में जुटा हुआ है। अचानक शादी के पहले दूल्हे के यूं लापता हो जाने के चलते परिवार में भारी दुखों का माहौल है। बच्चा जिसका नाम राजू है, वो कल सुबह लगभग सुबह 5:30 बजे हमें घर से मंदिर के लेकर निकला था, जो अभी तक मिला नहीं है। हम उसको प्रयास कर रहे हैं, थाने में कल गुमसी दर्ज कराई है, पुलिस वाले हम पर प्रयास कर रहे हैं, उसको मोबाइल ट्रेस किया है और कॉल डिटेल मंगवाई है और वो जाँच कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल उसका कुछ जानकारी हुई है। पुलिस पूरा अपना प्रयास कर रही है, हम संतुष्ट हैं पुलिस से। ऐसी कोई बात नहीं हुई, सब राजू किसी का राजू किसी का था। और सुबह भाई ठीक है, गया कभी माता जी मंदिर जाऊँगा, साफ सफाई करूँगा, उसके बाद में उसका कोई पता नहीं चलता माता जी मंदिर में। मेरा भाई है सबसे छोटा भाई, तीसरा नंबर, तीन भाई है हम, सबसे छोटा भाई।